तो दोस्तों, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की पैन इंडिया फिल्म लाइगर काफ़ी समय से चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म को मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर निर्मित कर रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। बताया गया था कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के लिए फिल्म को 200 करोड़ रुपये ऑफर किए गए हैं। अब फिल्म के लीड कलाकार विजय ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है। विजय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फिल्म की डिजिटल रिलीज के लिए हुए किसी भी तरह के सौदे से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है, ये काफ़ी कम है, इससे ज़्यादा तो हम थिएटर में कमा लेंगे। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि इस फिल्म को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के लिए 200 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है। बताया गया था कि मेकर्स इस ऑफर पर विचार कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा ने इससे पहले डियर कॉमरेड और अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं। अब इस फिल्म में एक फाइटर की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म को आगामी 9 सितंबर को रिलीज किया जाना है। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट को बदला नहीं गया है। हालांकि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये फिल्म कोरोना महामारी के कारण इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। हाल ही में लाइगर से विजय का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया गया था, जिसमें वे दमदार अवतार में नजर आए। करण के प्रोडक्शन की इस फिल्म को पूरी जगन्नाथ ने निर्देशित किया है। इस फिल्म को 5 भाषाओं में, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। विजय और अनन्या पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। लाइगर में राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विष्णु रेड्डी अहम किरदारों में नजर आएंगे। पहली बार विजय और पूरी किसी फिल्म के साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करण अपनी इस फिल्म की डिजिटल रिलीज के खिलाफ हैं। ये विजय की पहली पैन इंडिया फिल्म है। ऐसे में करण इसे सिनेमाघरों में रिलीज करना चाहते हैं, चाहे फिल्म की रिलीज आगे ही क्यों ना बढ़ानी पड़े। कोरोना महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट की शूटिंग में देरी हुई है। इस फिल्म को विजय के फैंस उनकी बॉलीवुड डेब्यू की तरह देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि लोगों के दिलों में ये राज कर पाएगी या नहीं? क्या आप विजय देवरकोंडा के फैन हैं? तो आप अपनी राय मुझे कमेंट जरूर करिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।